in fact, spoke to Sushma Swaraj a few years ago, where she spoke to him quite candidly about her political journey. Let's just play out that interview for our viewers. कहा ये जा रहा है बीजेपी के बारे में कि बीजेपी इस वक्त एक पर्सनालिटी कल्ट की गिरफ्त में आ गई है. जिस तरीके से इंदिरा गांधी के रहते कांग्रेस 1970 के दशक में थी, जब कहा जाता था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कहा जा रहा है कि बीजेपी भी उसी दिशा में बढ़नी शुरू हो गई. ये बिल्कुल गलत बात है. हमारे यहाँ किसी ने पार्टी से ऊपर होने की ना कोशिश की है और ना पार्टी ने किसी को अपने से ऊपर होने दिया. हमारा संगठन बहुत मजबूत है. इसलिए इंदिरा इज इंडिया वाली सिमिली हमारे यहाँ बिल्कुल चलती नहीं है. हमारे यहाँ संगठन का जो चेहरा अगर जाता है नेतृत्व के तौर पर, तो उसके लिए तो हमेशा कहते हैं, जब अटल जी थे तो हमने कहा था ट्राइड एंड टेस्टेड, जांचा परखा खरा, ये कहकर हम चले थे. अगर आपके पास एक मजबूत चेहरा है तो उसको भी आप दिखाते हैं. लेकिन इसके कारण संगठन को हम पीछे नहीं करते. ये बहुत पुराना संगठन है, इसकी अपनी एक शैली है. इसलिए हमारे यहाँ कभी संगठन से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, व्यक्तित्व पर, पर्सनालिटी पर. और नरेंद्र मोदी की पर्सनालिटी ऐसी है कि वो हमेशा एकला चलते हैं. जब गुजरात में भी बाकी लीडर्स को दरकिनार कर दिया गया, तो ऐसे में नवीन पटनायक को, ममता बनर्जी को, मायावती को ये चिंता होगी कि हम कैसे एक तानाशाह के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ काम करें जो अपनी पर्सनालिटी बाकियों पर हावी कर. पहले तो इस शब्द पर मुझे आपत्ति है जो आपने तानाशाह का वो कहा जाता है. मेरी सोच नहीं है, लेकिन ये उन पे आरोप लगता है. ये परसेप्शन गलत है. तानाशाह कभी तीन तीन बार चुनाव जीत कर नहीं आता. तानाशाह ऐसी सरकार नहीं चलाता कि जनता उसको पसंद करे और तीन बार उसको चुनाव में जिता करके भेजे. तो ये शब्द अपने आप में आपत्तिजनक है. और जहाँ तक आपने कहा कि सबको दरकिनार करके, इतना बड़ा संगठन गुजरात का चुनाव लड़ता है, वो नेतृत्व देते हैं लेकिन गुजरात का संगठन चुनाव लड़ता है, तो ये कहना कि इसलिए लोग साथ नहीं आएंगे, ये गलत है. और ये हाइपोथेटिकल सवाल है. एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद असलियत सामने आएगी. हर चीज की कल्पना आज कर लेना गलत होगा. कल हमने दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू किया. उन्होंने कहा कि बीजेपी का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ओवरटाइम काम कर रहा है, कि जब राहुल गांधी की रैली होती है तो आप वहां पे भीड़ भेज देते हैं ताकि लोग जैसे राहुल बोलने के लिए तैयार हों वहां से चलने लगे. माहौल खराब करने की कोशिश बीजेपी कर रही है. बीजेपी का तो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट कभी होता ही नहीं है. काम करने की तो तब सवाल हो कि कोई डिपार्टमेंट हो. ये काम तो वही लोग करते हैं. लेकिन अगर उनको ये भी नहीं मालूम है कि राहुल के यहाँ भीड़ ये आ जाए, बेहतर होगा कि वो आंख खोलकर सच्चाई देखें. और सच्चाई ये है कि दिल्ली में एक भयंकर कांग्रेस विरोधी लहर चल रही है, जिसको उनका कोई नेता रोक नहीं पा रहा, चाहे वो राहुल गांधी ही क्यों ना हो. राहुल गांधी का जो कैंपेन है वो क्लिक नहीं कर रहा, गलतियां कर रहे हैं, भीड़ नहीं आ रही, उत्साह नहीं जुटा पा रहे. आपके हिसाब से कहां गलती हो रही है? देखिए, गलती सबसे बड़ी ये है कि राहुल गांधी नेतृत्व की क्षमता नहीं दिखा पा रहे. एक शासक का जो मादा है वो प्रदर्शित नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो मादा उनमें नहीं है. आखिरकार लोग उबाऊ भाषण सुनने तो नहीं जाएंगे ना. लोग ये सुनना चाहते हैं कि आप कैसे शासक, अच्छे शासक बनेंगे. वो अच्छे शासक वाली भूमिका वो ले ही नहीं पा रहे. क्यों नहीं ले पा रहे आपके हिसाब से? क्योंकि उनमें वो मादा नहीं है. आप कितना ओढ़ सकते हैं, जब तक अंदर में आप में वो क्षमता नहीं है, अंदर में आप में वो मादा नहीं है, तो आप कितना प्रदर्शित करेंगे? कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी फेकू पार्टी है. वो इस तरीके से सपने दिखा रही है, अलग अलग चीजें कह के, जो कि गुजरात का वो एग्जांपल देते हैं कि वहां पे अगर आप हकीकत में आंकड़े देखें, सोशल आंकड़े, इकोनॉमिक आंकड़े, तो इतनी रोजी पिक्चर नहीं है जितनी कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं. राहुल जमीन की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं. बीजेपी एक कॉपरेटिव एसी पार्टी. 32 रुपया कमाने वाला शहर में और 28 रुपया कमाने वाला देहात में कांग्रेस की निगाह में अमीर हो चुका है. कौन से गरीब की बात करते हैं राहुल गांधी? ये उनकी अपनी पार्टी ने कहा है कि अगर एक व्यक्ति शहर में 32 रुपया खर्च कर सकता अपने पर, तो वो गरीबी की रेखा लांघ गया. 28 रुपया देहात में अगर अपने पर खर्च कर सकता तो गरीबी की रेखा लांघ गया. तो इसका मतलब है 960 रुपया महीने का शहर में कमाने वाला और 840 रुपया देहात में कमाने वाला व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की निगाह में अमीर है. पर आपको लगता है गरीब की बात करते हैं वो? आपको लगता है ये जो इमेज बन रही है कि मोदी कॉर्पोरेट्स के पक्ष में बहुत रहते हैं, राहुल गांधी केवल और केवल गरीबों की, आदिवासियों की बात करते हैं, कहीं ना कहीं राहुल ने जो अपनी इमेज बनाई है वो उस तरीके की बनाई है, प्रो पुअर? ये इमेज उनकी अपनी निगाह में बनी होगी. अभी आप मध्य प्रदेश का कैंपेन कर रहे हैं, कितनी प्रो पुअर गवर्नमेंट चल रही है,
छत्तीसगढ़ के कैंपेन में आप गए होंगे, कितना गरीबों का कल्याण उन्होंने किया है। ये जो भारतीय जनता पार्टी को वो दिखाना चाहते हैं कि अमीरों की पार्टी है या गरीबों की पार्टी नहीं है, हमारे शासित राज्यों में जाकर देखिए, पूरी की पूरी धारणा बदल चुकी। आम आदमी से पूछिएगा, आम जनता से पूछिएगा, तो वो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं शासन की बात कर रही हूँ, केवल वायदों की बात नहीं कर रही, कि उन्होंने कितना गरीबों के उन्मुख होकर के शासन चलाया है। बार बार किसी को शहजादा कहना, खूनी पंजा कहना, क्या आपको लगता है कि ये सही है जिस तरीके से पर्सनल बिलो द बेल्ट इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं मोदी द्वारा? नहीं, आप कह रहे जो पीएम बनना चाहता उसके द्वारा कहना, यूपीए की चेयरपर्सन का मौत का सौदागर कहना ठीक है क्या? ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। नहीं, पर आप कह रही हैं कि आप अनकंफर्टेबल हैं जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं इसकी पक्षधर नहीं हूँ। मुझे लगता है कि चुनाव लोकतंत्र में बहुत शालीन भाषा में किए जा सकते हैं और आप अपनी बात बहुत दृढ़ता से कह सकते हैं। शालीनता और दृढ़ता परस्पर विरोधी नहीं है। So that was an earlier interview done by India Today's Aaj Tak News Director Rahul Kanwal with Sushma Swaraj with the BJP. Geeta, now just tell us what exactly has been happening. We have the visuals of the former Union Minister's mortal remains. It was brought to the BJP headquarters. Have you seen any other big politician, big political leader who has come to the BJP office to pay his or her last tribute? Well, all the members of parliament are here. The top BJP leadership is here. I can't take names, Avantika, because I'm quite far away from the entrance where the leaders are entering and leaving. So we've not been able to see anybody, but most of the spokespersons were around to speak with us. But I saw members of parliament and ministers coming in. VK Singh entered the venue when I was at the gate and entering the venue. So a lot of ministers have turned up over here also, and most of them will turn up at the crematorium as well, will go to the crematorium as well. So the top leadership of the Bharatiya Janata Party, which includes Prime Minister Narendra Modi, after having paid their respects, will also be there at the Lodi crematorium, where the last rites would be performed of Sushma Swaraj by her family and her husband. A very sad day indeed, but also one where the Bharatiya Janata Party and the entire leadership has come together in the sad moment with the family, standing by the family and ensuring that everything over here goes around smoothly. BJP workers have been deployed well enough to ensure that those who really want to pay the last respects, people over here who've come in throngs, are allowed to do that in a smooth manner without any problems. We've seen a lot of people sloganeering over here, but all that to praise Sushma Swaraj and the person who she was. There was some commotion a little while earlier, but that was sorted out with a certain amount of deployment and ensuring that people who are entering enter from one area and exit from the other gate. But in terms of names of people who have come over here, right, I wouldn't be able to take the names because I can't see the leaders walking all out. Right. I only saw Shahnawaz Hussain, who was in here, and General VK Singh, who entered the gate with me. Absolutely, Geeta.